ये ऐतिहासिक कामयाबी की खुशी है। दिल्ली मेट्रो ने चौथे चरण में एक और मील का पत्थर हासिल कर लिया है। इस उपलब्धि के बाद वहां तिरंगे झंडे के साथ भारत माता की जय के नारे गूंज उठे। दरअसल डीएमआरसी के तुगलकाबाद एरो सिटी कॉरिडोर की अंडरग्राउंड टनल बनाने को लेकर बड़ी कामयाबी मिली है। इस गोल्डन लाइन में छतरपुर से छतरपुर मंदिर मेट्रो स्टेशन की टनल का ब्रेक थ्रू किया गया, यानी ये टनल बनकर तैयार हो गई। इस ब्रेक थ्रू का बटन दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दबाया। इस ऐतिहासिक पल के गवाह दिल्ली सरकार के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कैलाश गहलोत भी बने। डीएमआरसी और उनकी पूरी टीम को इस अचीवमेंट के लिए, इस ब्रेक थ्रू के लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। मैं ये कह सकता हूँ कि मेरी लाइफ का जो है ऐसा पहला अनुभव है और मैंने ये फील किया है कि कितनी मेहनत हमारे इंजीनियर्स करते हैं इस मोमेंट तक पहुँचने के लिए। मैं पूरा समझ रहा था कि ये जो टनल है उसको करीब 97 मीटर लॉन्ग जो है टनल बोरिंग मशीन उससे यूज़ किया जा रहा है, जिसका वेट ही करीब 50 टन के आसपास होगा, और उसको चलाना और उसको जिस प्रसिशन के साथ आगे बढ़ाना और कटिंग करना, ये अपने में अद्भुत। मैं एक चीज़ को समझने की कोशिश कर रहा है। ये पल डीएमआरसी के तमाम अधिकारियों, इंजीनियर और कर्मचारियों के लिए बेहद खास रहा। ये उनके लिए गर्व का पल था। ऐसे में वहाँ जमकर नारे लगाए गए। इस लाइव ब्रेक थ्रू के दौरान दिखा कि आखिर दिल्ली मेट्रो का रूट कैसे तैयार होता है, कितनी मेहनत से यहाँ लोग काम करते हैं। हालांकि इस लाइव ब्रेक थ्रू को कुछ ही लोगों ने देखा, लेकिन बताया गया कि आगे जब टनल का दूसरा ब्रेक थ्रू होगा तो उसे सभी स्टेशनों पर लाइव दिखाया जाएगा। साथ ही जगह जगह बड़े बड़े चौराहों पर स्क्रीन लगाई जाएंगी, जहां जनता भी डीएमआरसी कर्मचारियों की मेहनत को लाइव देख सकेगी। डीएमआरसी के ऑफिसर ने यह भी बताया कि बाहर देश में अगर जैसे जर्मनी में अगर टनल बोरिंग ब्रेक थ्रू इवेंट जब होता है तो पूरे शहर में एक छुट्टी जैसा माहौल होता है। तो हम भी कोशिश करेंगे कि अगली बार जो भी इवेंट आए वो दिल्ली वासियों तक हम पहुंचाएं। दिल्ली वासियों को ज़रूर पता चलना चाहिए कितनी मेहनत और कितनी कठिनाइयों के बाद जब वो मेट्रो में सफ़र करते हैं तो उसके पीछे कितने लोगों ने काम किया, कितने इंजीनियर्स ने, कितने टेक्नोक्रेट्स ने अपनी पूरी मेहनत के साथ इस मुकाम तक पहुँचे। छतरपुर और छतरपुर मंदिर के बीच ये मेट्रो की अंडरग्राउंड सुरंग 865 मीटर लंबी है। इसे सफलता तक पहुंचाने में करीब 5.5 महीने लगे। इस अंडरग्राउंड टनल का निर्माण 15 मीटर की गहराई पर किया गया है। जाहिर है ये कामयाबी न सिर्फ डीएमआरसी कर्मचारियों और इंजीनियरों के लिए बड़ी है, बल्कि इस कामयाबी और इसे एक मुकाम तक पहुँचाने वाले सभी कर्मचारियों पर दिल्ली और देशवासियों को गर्व है। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।